चलो मैथ्स की बेसिक सीरीज को अपन ने चालू कर रहे हैं। हम कहीं पर भी कोई से भी क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो फाइनली यहाँ पर क्या होता है, हमको एक इक्वेशन मिलता है जिसमें हमको वेरिएबल मतलब एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, उसको निकालना पड़ता है। तो उसी बेसिक को देखते हैं कि एक इक्वेशन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं और फाइनल आंसर निकालते हैं, ठीक है। अब जो भी समीकरण होता है वो दो भाग में बटा होता है। ये जो हमारा पोर्शन होता है, जो हमारा ये वाला जो पोर्शन हुआ, ये पोर्शन हमारा हुआ लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ठीक है, और ये पोर्शन हमारा क्या हुआ, राइट हैंड साइड हुआ। ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड, और ये यहाँ पर क्या हुआ, राइट हैंड साइड। मतलब ये हमारे पास हुआ हमारा बायां पक्ष हुआ, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा दायां पक्ष हुआ, ठीक। किसी को भी यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक ये क्या हो गया, ये हमारे पास वेरिएबल हो गया और ये यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। मतलब एक हमारे पास क्या हो गया, चर राशि, और एक यहाँ पर क्या हो गया, अचर राशि हो गया। तो कहीं पर भी किसी का भी पोजीशन को यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। पोजीशन को यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। पोजीशन चेंज मतलब क्या हुआ, अगर सपोज पहला कोई लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड से वो राइट हैंड साइड आ गया, या फिर राइट हैंड साइड से वो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अगर कोई चीज पहले कहां पर है, बाएं में है, बाएं से कहां चला गया, अपने को दाएं में चला गया, इक्वल टू के इस पर चला गया, तो हमारे पास क्या हो गया, राइट हैंड साइड हुआ। या सपोज कोई चीज राइट हैंड साइड में, वो कहां पर आ गया, वो इस साइड आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया, दाएं से कहां पर आया, बाएं हुआ। तो जब भी पोजिशन क्या करेगा, इंटरचेंज करेगा, तो यहां पर भी क्या होगा, जो साइन होगा वो साइन भी यहां पर क्या होगा, अपने को साथ में यहां पर क्या होगा, चेंज होगा। जैसे यहां पर मैं बोला इधर पर प्लस है, तो वो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस यहां के क्या हो जाएगा, माइनस। यहां माइनस होगा तो यहां आके क्या हो जाएगा, प्लस। इन द सेम वे अगर यहां पर माइनस है तो यहां पर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये ऐसे ही यहां पर सेम इंटरचेंज हो जाएगा। यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, और यहां पर डिवाइड होगा तो यहां पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहां पर इनटू है तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा, यहां पर डिवाइड तो यहां पर आके इनटू हो जाएगा, सेम यहां पर डिवाइड है तो यहां पर आके क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, और इनटू इधर आया तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है कि यहां पर हम ये देखते हैं, ठीक है, यहां पर जो वैल्यू है 2x, ये 2x मतलब क्या होता है, ये होता है 2 इंटू एक्स, ठीक है। अगर सपोज मैं बोला 4y, इसका मतलब यहां पर क्या होता है, 4 इंटू वाई, ये होता है। अगर मैंने बोला 7z, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, 7 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ये चीज याद रखना, अगर कोई सा भी एक वेरिएबल हो गया और कांस्टेंट साथ में जुड़ा हुआ, इसका मतलब बीच में यहां पर क्या चिन्ह होता है, अपने को मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, इस चीज को याद रखना। इन द सेम वे अगर मैं यहां पर बोलूंगा, अगर मैं इन द सेम वे यहां पर क्या बोला, एक्स इंटू वाई बोला, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई होगा। तो कोई सा भी एक कांस्टेंट हुआ, एक वेरिएबल हुआ, या फिर क्या हुआ, अपने को दो वेरिएबल हुआ, उनके मध्य में कोई चिन्ह नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, यहां पर क्या चिन्ह अपने को, इंटू का चिन्ह हम ये देखते हैं, ठीक है। होप यहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, हम ये देखते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। हमेशा क्या करेंगे, जो होगा लेफ्ट हैंड साइड होगा और जो राइट हैंड साइड होगा, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में कोशिश करना कि यहां पर तुम्हारा क्या बचे, वेरिएबल बचे। मतलब जो भी एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, जो भी होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, जो भी होगा, वो कहां पर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा। चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो, कहां पर बचेगा, अपने को लेफ्ट में बचेगा। और जो हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म है, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, चाहे ऐसा कोई सा भी टर्म हो, वो सारा टर्म यहां पर कहां चले जाएगा, वो टर्म चले जाएगा हमारा कहां पर, राइट हैंड साइड में चला जाएगा। इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब इसी को अपन लोग सॉल्व करते हैं आगे। यहां पर दिया 2x-6=0, लेफ्ट में क्या बचाऊंगा, बोला वेरिएबल, तो यहां पर क्या हो गया, 2x हुआ, यहां पर 0 और यहां पर 6। पहला काम लिखने का तरीका यह हुआ, सारे वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड लिखा और सारे कांस्टेंट को कहां पर लिखा, राइट हैंड साइड लिखा। यह सबसे पहला स्टेप। अब इसके बाद यह पहले कहां पर था,
इक्वल टू के इस पार मतलब लेफ्ट हैंड साइड है और इस पार मतलब राइट हैंड साइड है। ये पहले क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था और अभी भी यहां पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। इंटरचेंज कब होगा, साइन इंटरचेंज कब होगा, जब वो लेफ्ट से राइट में जाएगा, राइट से लेफ्ट में आएगा, तो साइन भी क्या होगा, इंटरचेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इंटू का डिवाइड, डिवाइड का इंटू। लेकिन अगर पहले भी लेफ्ट में है और अभी भी लेफ्ट में है, पहले भी राइट में है और अभी भी राइट में है, तो क्या होगा, उस पर क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा। ये पहले भी लेफ्ट और अभी भी लेफ्ट, ये पहले भी राइट में था अभी भी राइट में है। जीरो पहले था कहां पर, जीरो पहले था यहां पर लेफ्ट में था और अभी कहां पर है, राइट में है। पहले कहां था, लेफ्ट में, और अभी कहां पर है, राइट में है। तो जब ये इधर गया तो ये माइनस क्या लेके आ जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहां पर क्या बचा, 2x इक्वल टू यहां पर क्या बचा, 6। 2x मतलब क्या हुआ, 2 इंटू एक्स इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2, द रिजल्टेंट विल बी 3। ये हमारा आंसर होगा सबसे पहले वाले का। समझ में आया कैसा हुआ, किस तरीके से आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 7x-2 = 8-x। सबसे पहला काम 7x, x इक्वल टू 8 और 2। सारे वेरिएबल को एक साइड लेके आ गया, सारे नंबर को राइट हैंड साइड लेके आ गया, ठीक है। पहले भी लेफ्ट में था अभी भी लेफ्ट में है, तो साइन को अपन कुछ कन्वर्शन नहीं करेंगे। पहले था इक्वल टू के उस पार, मतलब इक्वल टू के उस पार था, राइट में था, अभी इक्वल टू के इस पार है। पहले इक्वल टू के इस पार था मतलब राइट में है, और अभी इक्वल टू के इस पार है मतलब लेफ्ट में है, तो ये माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहां पर पहले ये था लेफ्ट में और अभी इक्वल टू के इस पार आ चुका है। देखो ये इक्वल टू के पहले कहां था, इक्वल टू पहले लेफ्ट हैंड साइड में था और अभी इक्वल टू के राइट हैंड साइड में। समझ में आ रहा है, तो यहां पर क्या था अपने को लेफ्ट और अभी कहां पर है, राइट में, तो ये माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कुछ नहीं मतलब कितना होता है, 1। पहले बता चुका, अगर कोई सा भी वेरिएबल, सपोज एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, इंडिपेंडेंटली रहेगा, तो सामने में क्या लेके आएगा, 1 लेके आएगा। तो 7x+1x कितना हो गया, 8x इक्वल टू क्या हुआ, 10 हुआ, और x इक्वल टू क्या हुआ, 10/8 इक्वल टू क्या हुआ, 5/4। ये हमारा आंसर आएगा। इसको पॉइंट में कैसे लिखते हैं, इसको फ्रैक्शन पे कैसे लिखते हैं, उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे, कि नंबर को फ्रैक्शन को कैसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, पॉइंट को अपन कैसे पॉइंट में लिखते हैं, उसको अपन लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा आया थर्ड क्वेश्चन, ये लेफ्ट और ये राइट, 2x 4x 5 8। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम सारे वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में, सारे नंबर को राइट हैंड साइड में। पहले लेफ्ट था, पहले कहां था, लेफ्ट, अभी भी कहां पर है, लेफ्ट। इक्वल टू किस पर मतलब बायां, इक्वल टू किस पर मतलब क्या हुआ, दायां, ठीक है। तो पहले लेफ्ट था अभी भी लेफ्ट है, पहले क्या था माइनस, तो अभी भी क्या होगा, माइनस। पहले था राइट में और अभी है लेफ्ट में, तो ये माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस। पहले भी राइट में था और अभी भी राइट में है, पहले लेफ्ट में था और अभी राइट में है, तो ये प्लस। कुछ नहीं मतलब सामने में क्या लेके आता है, पहले बताया था सामने में कोई भी नंबर क्या होगा, इंडिपेंडेंट है, सामने में क्या लेके आएगा, प्लस लेके आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब माइनस और प्लस में क्या करते हैं, बड़े नंबर को छोटे से घटाते हैं, 4x में से 2x गया तो कितना बचा, 2x। बड़ा कौन सा है, 4, सामने में क्या चिन्ह है, प्लस का, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस 2x, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 3 बचा, और बड़ा कौन सा है, 8, सामने में क्या है, माइनस, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2, ठीक है। माइनस वाला मैं फिर से बता देता हूं, कहीं तुम लोग कंफ्यूजन ना हो, 8 -5 ये होगा 3, -8
प्लस फाइव होगा, एक माइनस एक प्लस में तो हमेशा क्या होगा, बड़े को छोटे से घटाएंगे, आठ में से पांच गए तो कितना बचा, तीन, बड़ा कौन सा है आठ, सामने में क्या है माइनस, इसलिए ये क्या होगा माइनस तीन। अब अगर सपोज ये माइनस आठ और माइनस पांच हुआ, दोनों माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आठ और पांच कितना हो जाएगा तेरह, और माइनस दोनों जगह यहां पर क्या होगा माइनस होगा, ठीक है, ये प्लस माइनस में। हाँ, यहां पर तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना, माइनस इंटू माइनस बोलूंगा तो यहां पर प्लस होगा और यहां पर क्या होगा 40 होगा, ये बीच में इंटू नहीं है, ये चीज को याद रखना, बहुत बार कंफ्यूजन होता है, हम लोग जो बचपन से पढ़े होते हैं क्या पढ़े होते हैं कि सर माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और जब माइनस और माइनस को प्लस करेंगे, रिजल्टेंट को लिखेंगे प्लस में, रिजल्टेंट को ऐड करेंगे, नंबर को क्या करेंगे ऐड करेंगे, लेकिन साइन को लिखेंगे माइनस में, इस चीज को भूलना नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब वेरिएबल कौन सा है 3x, 2x, नंबर कौन कौन सा है दो और चार, पहले भी लेफ्ट अभी भी लेफ्ट, प्लस का प्लस जरूरत नहीं लिखने का, पहले राइट अभी लेफ्ट, पहले राइट अभी लेफ्ट, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये पहले भी राइट में था अभी भी राइट में है, ये पहले लेफ्ट में था और अभी कहां पर है राइट में, तो प्लस का यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, यहां पर कुछ नहीं सामने में क्या होता प्लस होता है। 3x और 2x कितना हो गया 5x, 2 में से 4 गया तो माइनस 2, x बराबर माइनस 2 बटे 5, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, सबसे पहला काम जब इस तरीके से होगा कोष्टक दिया रहेगा, इसका मतलब बीच में यहां पर क्या होता कुछ दिया नहीं, क्या मतलब क्या होता इंटू, बताया था पहले याद है, अगर क्या होगा कोष्टक के साथ में कोई सा भी साथ में नंबर लगा हुआ है तो क्या होगा वो नंबर के बीच में क्या होगा मल्टीप्लाई का होगा, इसका मतलब ये 2 पहले इस x से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स क्या होगा 2x होगा, 2 इंटू 1 कितना होगा 2 होगा, सामने में कोई चिन्ह नहीं मतलब क्या होता है प्लस लेके आते हैं, तो इसलिए प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस, लिखने का आवश्यकता नहीं है, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे माइनस करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और रखना, अगर सपोज मैं यहाँ पर ये दिया हूँ इस तरीके से दिया हूँ तो क्या होगा 2 इंटू एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x होगा, कुछ नहीं मतलब सामने में क्या होता है प्लस होता है ना, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस 2x होगा, और ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 1 कितना होगा 2, ये चीज़ को याद रखना, ठीक है। प्लस दो तिया 6x प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, 2x 6x इक्वल टू 0, 2 और 2, ठीक। ये तुम लोग यहाँ पर ऐसा कर सकते हो कि माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 कर ले, लेकिन अपन लोग बेसिक में ना, तो अभी अपन लोग सीख रहे हैं कि किस किस तरीके से डेवलप करेंगे, फिर एक बार हम लोग सीख जाएंगे तो अपनी गति को थोड़ा सा बढ़ा के अपन थोड़े से मॉडरेट लेवल पे, फिर स्पीड लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है। पहला भी लेफ्ट अभी भी लेफ्ट इक्वल टू किस पर है ना भाई, दोनों पहले भी लेफ्ट था अभी भी लेफ्ट है, तो साइन में कोई गलत नहीं होगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, तो यहां पर प्लस है यहां पर प्लस, तो यहां पर प्लस, ठीक। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, 2 और 6 कितना हुआ 8x बराबर, 8x बराबर कितना हो गया 4, और x बराबर कितना हुआ 4/8, पता नहीं क्यों आया, क्योंकि यहां पर ये 8 × x है 4, इसीलिए x बराबर यहां पर गुना है ना, तो ये 4/8 होगा, इस चीज को याद रखना। कटी तो काटबो, ऐसा अपन काट लेंगे इसको, कितना हो जाएगा 1/2। चलो अगला आते, अब ये क्या होगा, अब तो तुम लोग समझदार हो ही चुके हो, 4x 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस, कुछ सामने प्लस है ना भाई, माइनस इंटू प्लस माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इक्वल टू 4।
अब अपन थोड़ा सा एडवांस हो चुके हैं, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। चार में से दो गया, 2x माइनस 4 प्लस 5, 5 में से 4 गया 1, 5 बड़ा इसलिए यहाँ पर क्या चिन्ह लगेगा अपने को, प्लस का लगेगा, बराबर 4। 2x बराबर, ये प्लस यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर सिक्स वाला? चलो सेवेंथ वाले में आ जाते हैं। यहाँ पर 7x इक्वल टू 19 2, पहले भी लेफ्ट अभी भी लेफ्ट 7x, पहले भी राइट अभी भी राइट, तो माइनस का माइनस, पहले लेफ्ट और अभी राइट तो प्लस का माइनस। 7x इक्वल टू -21, x इक्वल टू -21/7, 7 × 7 दिया तो कितना हो जाएगा माइनस। ठीक है, नेक्स्ट 3x 5 + 1/3। क्यों आया 1/3? क्योंकि यहां पर ये माइनस है, इधर आके यहां पर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, कुछ नहीं मतलब नीचे क्या होता है, एक होता है, कितना होता है, एक होता है। अभी हम ये मान के चलते हैं कि हमको लघुत्तम महत्तम नहीं पता, हमको एलसीएम एचसीएफ निकालने नहीं आता, हमको ये मालूम है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। नीचे क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, बीच में प्लस है तो प्लस, यहां मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 1। अगेन फर्दर इसको अपन लोग सॉल्व किए, फर्दर सॉल्व किए तो यहां पर कितना हुआ, इसका मतलब हुआ 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15 और 1 16/3। तो x बराबर क्या होगा, 16/3। ये अपन लोग को याद है कि अगर मैं 2x बराबर 4 किया तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4/2। मतलब ये संख्या कहाँ आ जाता है, ये संख्या इसके नीचे आ जाता है ऐसा। तो सिमिलरली अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16/3 दिया हुआ है, 16/3 दिया हुआ है, यहाँ पर 3x दिया है, ये 3 नीचे आ जाएगा, ये जब 3 नीचे आएगा तो यहाँ पर नीचे में क्या लग जाएगा, गुना में लग जाएगा, इसीलिए एक्स का मान कितना होगा, 16/9। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ किस तरीके से हुआ, क्या हो जाएगा 16/ क्या हो जाएगा अपने को, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नाइन्थ वाले में। अब तुम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, 21 + 4, क्योंकि माइनस है तो यहाँ के क्या हो गया, प्लस हो गया, 5x = 25, x = 25/5 कितना हुआ, 5। क्लियर, x का वैल्यू कितना हो गया अपने पास, 5 आ गया। टेंथ, अब -7x, ध्यान से देखना, 21 - 6, क्योंकि यहां पर प्लस है, यहां के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -7x, 21 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15/-7। ठीक है, हम कहीं पर भी सॉल्व करते हैं तो कभी भी क्या करते हैं, माइनस को हम लोग कभी भी नीचे नहीं लेते, उसका कॉमन कॉन्सेप्ट कैसा ये समझ लेते हैं। a/b दिया हुआ है तो ठीक है, a/b दोनों प्लस पे है, -a/b दिया हुआ, माइनस कहाँ लगा है, ऊपर में लगा है, तो आंसर एज इट इज वैसी का वैसी रहेगा। अगर ये ऐसा दिया हुआ है -a/b, ये जो माइनस है ना, ये माइनस सेम यहां पर अपने को इस तरीके से दिया हुआ है, दोनों के बीच में दिया हुआ है, ये अपने को फ्रैक्शन का बीच में बांटा हुआ भाग है ना, ये अपने को अपॉन वाला,
इसके साथ में लगा हुआ माइनस चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब ये माइनस क्या होता है, इसके साथ लगा हुआ होता है। तो जब अपने को इस तरीके से देगा तो भी इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर हुआ? अगर ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है तो दोनों माइनस कट के क्या बच जाएगा, ए बटे बी बच जाएगा। और अगर सपोज ए बटे माइनस बी दिया हुआ है, माइनस कहाँ दिया, नीचे दिया हुआ है, तो ये माइनस शिफ्ट होके कहाँ चले जाएगा, ऊपर में, और ये लग जाएगा माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा। क्लियर? इस चीज़ को हमेशा याद रखना, आगे जाके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 15 अपॉन 7, ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस 7x माइनस 3 माइनस 18। अब तुम लोग थोड़ा समझदार हो गया हो ना, थोड़ा सा बढ़ गया अपन लोग। माइनस 7x 3 और 18 कितना हुआ, 21, दोनों जगह माइनस है तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस 21 बटे माइनस 7, माइनस माइनस कट जाएगा, 7 एक बार में, 7 तीन बार में। अब तुम लोग एडवांस बढ़ चुके हो तो तुम लोग ये भी कर सकते हो, माइनस 7x इक्वल टू माइनस 21, दोनों यहां पर कॉमन कॉमन है, काट लिए, 7 एक बार में, 7 तीन बार में, तो डायरेक्टली x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, अपन लोग ऐसा कर सकते हैं। जब हम लोग सीख जाएंगे तो हम लोग यहां इस लेवल तक पहुंच जाएंगे। चलो नेक्स्ट, ये पहला काम क्या होगा, यहां मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 चौक 12 बराबर 21, 3x बराबर 21 में से 12 गया 9, ठीक है ना भाई। अब थोड़ा बढ़ चुका अपन लोग, ये प्लस यहां के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए यहां पे 9 बचा। तो x इक्वल टू क्या हुआ, 9 बटे 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 कम 3 दिया 9, ठीक। आगे मैं पहले बता चुका हूं कि अभी हम लोग लघुत्तम महत्तम नहीं सीखे हैं, तो इसलिए उसके हिसाब से बता रहा हूं। जब अगली क्लास में आपको महत्तम लघुत्तम सिखा दिया जाएगा तब बताऊंगा इसको बनाने का तरीका कैसा रहता है। ये होगा 2x बट्टे 3 माइनस 3x बट्टे 5 बराबर 8 बट्टे 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही फ्रैक्शन पे दिया तो हम लोग बेचारे इसको क्यों खाली छोड़े, इसको भी अपन साथ ही दे देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने को साथ में क्या लेके, अपने को ऊपर और नीचे लेके आया, फ्रैक्शन के रूप में लेके आया, अंश और हर लेके आया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेके आया, तो इस गरीब को भी दे देते अपन लोग साथ ही, ठीक है। पहला काम नीचे क्या हुआ, 3 × 5, ऊपर में क्या हुआ, 2x × 5 माइनस है तो माइनस, 3x × 3 बराबर 8/1, ये हुआ 10x माइनस कितना हुआ 9x, 5 दिया 15 बराबर 8/1, 16x में से 9x गया तो कितना बचा, सॉरी ये 10x होगा ना, 10 में से x गया तो कितना बचा, 1x/15 बराबर 8/1। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ तक आता है तो तिरेक गुना करते हैं, x एक कम x, 15 × 8 = 120, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 120 होगा, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया 13th वाला, चलो 14th वाले में आते हैं। ये हो जाएगा 3x, यहाँ पर प्लस, यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस 3, ये माइनस यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। 3 में से 5 गया 2, बड़ा कौन सा, मतलब 5 में से 3 गया 2 बचा, बड़ा कौन सा 5, सामने में क्या, माइनस लेके आएगा। 9 में से 3 गया 6, बड़ा 9 है सामने, प्लस है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/-2, 2 एक बार में, 2 तीन बार में, तो कितना बचा, 3/-1, ये माइनस ऊपर चले जाएगा, कितना हो जाएगा, -3, नीचे 1 रहेगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर नीचे क्या बच जाता है, 1 बच जाता है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहला काम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x माइनस 9 8x प्लस 4,
3x माइनस 8x 4 प्लस 9। समझ में ना क्यों? क्योंकि ये प्लस यहां आके माइनस हुआ, ये माइनस यहां आके क्या हुआ? प्लस हुआ। माइनस 5x बराबर 13, x बराबर 13 बटे माइनस 5 बराबर माइनस 13 बटे 5। फाइनल आंसर ये हुआ हमारे पास। ठीक है, अच्छा 3x बटे 2 माइनस 10, एडवांस हो चुके ना, यहां पर 1 बटे 2, ये माइनस यहां के क्या हो जाएगा? प्लस 10 बटे 1। अगेन ये हुआ 3x बटे 2 बराबर 2 एक कम 2, 1 एक कम 1, 2 दहम 20। 3x बटे 2 बराबर 21 बटे 2। अगर नीचे दोनों हर यहां पर क्या होगा? कॉमन होगा, कट जाएगा। तो बचा क्या? 3x बराबर, बचा क्या? 3x बराबर 21, x बराबर 21 बटे 3 कितना हुआ? 7। क्लियर हो गया? x बट्टे 2 माइनस x बट्टे 3 बराबर 8 बट्टे 1। ठीक है, उसके अपन लोग जोड़ीदार दे देते हैं। नीचे 2 तिया 6, 3 गुणित x 3x, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 2 गुणित x 2x बराबर 8। 3x में से 2x गया तो x बराबर, नीचे 1 है ना, 1 से गुना करोगे तो 1x ही आएगा, और 8 छक्के 48। समझ में आ गया यहां तक? कौन सा था ये? 17। लेट्स कम टू 18, थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना। 6x माइनस 9, यहां कितना हुआ? माइनस 2, और यहां पर कितना हुआ? प्लस 2x बराबर x प्लस, ये हुआ 8x, ये हुआ माइनस 11, और यहाँ पर x प्लस 9। ये इधर आया, 8x में से 1x गया, ये इधर आया 9 प्लस 11, 7x बराबर 20, x बराबर 20 बटे 7। क्लियर हो गया? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 4 माइनस 5x प्लस 25। अब समझ में आ गया वो प्लस 25 क्यों आए? 5 पंचे 25, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4x माइनस 32 माइनस 2x प्लस 4। ठीक है भाई, 2x में से 5x गया माइनस 3x, 25 में से 4 गया प्लस 21 बराबर 2x माइनस 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा? माइनस 32 प्लस 4 कितना होगा? इधर आ गया माइनस 3x माइनस 2x माइनस 28 माइनस 21, ये हो जाएगा माइनस 5x, और ये हो जाएगा माइनस 49। दोनों माइनस माइनस नमस्ते कर देते हैं, x इक्वल टू 49/5। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ये होता अपॉन मतलब 2 माइनस वाई बटे वाई प्लस 7 बराबर 3 बटे 5। इसका मतलब यह होता है कि ये मल्टीप्लाई इससे होगा और ये मल्टीप्लाई इससे होगा,
यहाँ इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ, 5 × 2 − y, 3 × y + 7। ये हुआ 10 − 5y, ये हुआ 3y + 21। इसको इस पार लेके आए तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास हुआ −5y − 3y, और यहाँ पर कितना हुआ 21 − 10। ये अगेन कितना हुआ −8y, और ये कितना हुआ 11। इसका मतलब y बराबर कितना हो जाएगा, 11/−8। माइनस नीचे तो कहाँ लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर, क्लियर हो गया। ठीक, इतने क्वेश्चन है, बाकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, संख्या पद्धति पढ़ेंगे। संख्या पद्धति मतलब क्या पढ़ेंगे, इसके बाद जो होगा वो अपन लोग बेसिक वाले में क्या सीखेंगे कि एक समय क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे समीकरण में चेंज करते हैं, उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में अपन लोग ये सीखेंगे। ठीक है।